हेलो दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आप अपना यूट्यूब चैनल कैसे बनाएं, यूट्यूब से पैसे आप कैसे कमा सकते हैं, आपको कितने सब्सक्राइबर चाहिए। आपको पता होगा कि 1,000 सब्सक्राइबर आपको पूरे करने होते हैं, 4,000 आवर्स का आपको वॉच टाइम करना होता है। अगर आप शॉर्ट्स बना रहे हैं तो उसके लिए आपको 1 करोड़ व्यूज आपको चाहिए होंगे, तभी आप मोनेटाइज कर पाओगे। और मोनेटाइज करने के लिए आपको बहुत सारी सेटिंग्स करनी पड़ती हैं। ऐसे ही अगर आप वीडियो अपलोड करोगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, व्यूज़ नहीं आएंगे। सो मैं आपको लेके चलता हूँ अपने फ़ोन की स्क्रीन पे और आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या आपको सेटिंग करनी है और कैसे आपको सबसे पहले यूट्यूब पे अकाउंट बनाना है और क्या क्या आपको चेंजेस करने हैं, कस्टमाइजेशन आपको कैसे करना है, वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। ओके गाइस, सो यूट्यूब चैनल बनाने से पहले हमें जीमेल आईडी बनानी होती है। सो या तो आप सीधे डायरेक्टली जीमेल खोल सकते हैं या फिर आप यूट्यूब पे जाएं। यहाँ पे सबसे नीचे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे सबसे नीचे आपको दिख रहा है यू और आपका एक लोगो दिख रहा है, उस पर आप क्लिक कीजिए। यहाँ स्विच अकाउंट का एक ऑप्शन आएगा, जिस भी अकाउंट से अगर आपने ऑलरेडी जीमेल आईडी बना ली है तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने ये बनाई हुई है तो मैंने ये सेलेक्ट किया है। अगर आपने नहीं बनाई हुई है तो वापस जाएँ, इसी यू पे क्लिक करें, सबसे नीचे जो ऑप्शन आपको दिख रहा है। उसके बाद यहाँ आपको एक ऑप्शन दिख रहा है गूगल अकाउंट का, यहाँ पर क्लिक कीजिए, ऐड अनदर अकाउंट पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको अपना अकाउंट जो आपने ऑलरेडी बनाया हुआ है उस पर लॉगिन करने का ऑप्शन देगा अगर आपने बनाया हुआ है। नहीं तो अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन होगा, इस पर आप टैप करेंगे फॉर पर्सनल यूज़। आप पर्सनल यूज़ के लिए इसको बना रहे हैं आईडी को, कोई बिजनेस यूज़ के लिए नहीं बना रहे हैं। यहाँ पे आप फर्स्ट नेम लास्ट नेम डाल दीजिए, नेक्स्ट कीजिए एंड वेट कीजिए। इसके बाद आप अपना डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए, मैं एक रैंडम डेट ऑफ बर्थ कुछ डाल देता हूँ, 1955, जेंडर मेल, नेक्स्ट कर देता हूँ। उसके बाद ये आपसे एक जीमेल अकाउंट मांगता है, जीमेल आईडी मांगता है, या तो अपना फोन नंबर या कुछ भी आप जो यूनिक आपको लगता है कि आप ऐसी आईडी बनाना चाह रहे हैं वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। या फिर अपना नीचे यहाँ एक ऑप्शन आया हुआ है यूज़ मोबाइल का, ये आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो हम नेक्स्ट कर लेते हैं। यहाँ पे एक आप पासवर्ड डाल दीजिए, पासवर्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए जो कि हैक ना हो सके। सो ऐसा करके आप वेरीफाई करके अकाउंट बना सकते हैं। ये इसी ईमेल पे आपका एक ईमेल आएगी वेरीफाई करने के लिए। ओके, सो फिलहाल मैं ये नया अकाउंट नहीं बनाने वाला हूँ। सो वापस चलते हैं यूट्यूब पे, लेट मी गो बैक, क्रॉस कर देते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल हमने ये अकाउंट पर लॉगिन बना, ये अकाउंट की आईडी बनाई और इस पर हम लॉगिन कर रहे हैं। सो माय नेम इज अमित। सो यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, व्यू चैनल का एक ऑप्शन आ रहा है यहाँ मुझे। सो व्यू चैनल पे क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे एक पेंसिल का निशान मुझे दिख रहा है, इस पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे लोगो और बैनर लगाना बहुत जरूरी है। सबसे ऊपर आपको दो चीज़ें दिख रही हैं, यहाँ बीच में एक आपको लोगो का ऑप्शन दिख रहा है, ये आपको बैनर का ऑप्शन दिख रहा है। उसके बाद नेम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे हैंडल यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, चैनल का ये यूआरएल होता है, जो आपका हैंडल होता है उसी को आप, वो आपका YouTube.com के बाद आपका यूआरएल होता है। ठीक है, और उसके बाद आप डिस्क्रिप्शन डालते हैं, ये चीज़ें बहुत जरूरी हैं, डिस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो एक एक करके मैं सारी चीज़ें आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपको प्रोफाइल में जाके अपना लोगो आप यहाँ से डाल सकते हैं, जैसे कि मैंने ये लोगो लगाया हुआ है, यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। उसके बाद इसके पीछे का जो बैनर है वो आप यहाँ से चेंज करते हैं, सेम वे ये जो फोटो बना हुआ है ये यहाँ पे आप टैप करेंगे तो आपको अपलोड करने का, या तो आप अपनी पिक्चर ले सकते हैं या फिर अपलोड कर सकते हैं, वो ऑप्शन आपको मिलेगा। उसके बाद आ जाते हैं चैनल का नाम, चैनल का नाम आपको दिख रहा है, मैंने अमित मैंने डाला हुआ है। सो इसको आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक इन्फॉर्मेशन भी मिल रही है, चेंजेस टू योर नेम विल बी रिफ्लेक्टेड ओनली ऑन यूट्यूब, यू कैन चेंज योर नेम ट्वाइस इन 14 डेज, मतलब आप 14 डेज के अंदर इसको चेंज कर सकते हैं एक बार। ठीक है, उसके बाद हैंडल आपको मिल रहा है ऑटोमेटिकली, इसको भी आप चेंज कर सकते हैं, जो अपनी मर्जी से आप बनाना चाहिए वही जो हैंडल आप डालेंगे वो आपके यूआरएल के अंदर आ जाएगा। यहाँ से लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड से आप क्लिक करेंगे तो इसको आप कॉपी कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को भेज सकते हैं। अब बात यह डिस्क्रिप्शन की बारे, डिस्क्रिप्शन में आप वो चीज़ें डालेंगे जिसके ऊपर आपका चैनल बेस्ड है, जो कंटेंट आप डालना चाह रहे हैं। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरा जो दूसरा मैंने चैनल बनाया हुआ है वो भी मैंने लेटेस्ट अभी बनाया है। सो स्विच अकाउंट में करता हूँ, ये अकाउंट में कर लेता हूँ एंड यू पे क्लिक किया मैंने, माई ट्रैवल क्लिक्स के नाम से है। यहाँ पे मेरे डिस्क्रिप्शन में मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, ये मेरी हॉबीज़ हैं, ट्रैवलिंग, क्या मैं करता हूँ, रिलेटेड थिंग्स आपको डालनी है अपने चैनल से रिलेटेड थिंग्स। ठीक है, सो इतना हमने कर दिया है। उसके बाद अब बची मेन सेटिंग्स, ये आपका 20% काम पूरा हुआ है, आपका यूट्यूब चैनल बन गया है। आप चाहें तो यहाँ से अपलोड कर सकते हैं, यहाँ आप जाके यहाँ शॉर्ट्स वीडियो, लाइव वीडियोस, चैनल अबाउट, यहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएंगी। यहाँ पे आप प्लस पे क्लिक करके अपलोड वीडियो, क्रिएट शॉर्ट बना सकते हैं। लेकिन अभी आपको नहीं करना है, उससे पहले आप जाइए YT स्टूडियो पे, जहाँ पे हम करने वाले सारी सेटिंग। सो studio.youtube.com ये आपको साइट डालनी है और ऐसा आपके पास पेज खुलेगा। सो जैसे जैसे ही ये पेज खुलेगा आपको सबसे नीचे आ जाना है और लेफ्ट हैंड साइड पर आपको एक ये सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। सो यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट सेटिंग करनी है, जनरल US डॉलर में ही रहने दीजिए, अगर पैसे कमाएंगे तो डॉलर्स में कमाएंगे ना। उसके बाद चैनल पे क्लिक करेंगे, बेसिक इन्फॉर्मेशन इंडिया, यहाँ पे कंट्री का नाम आपको इंडिया डालना है, कीवर्ड्स कौन कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं जो लोग डालें, आपकी ऑडियंस डाले और आपका चैनल सर्च में है, वो आपको डालना है। जैसे मैंने अपने हैंडल पहले डाला हुआ है, पीपल एंड ब्लॉग, मैं ब्लॉग करना चाह रहा हूँ या फिर मैं एजुकेशनल पर्पज से कुछ करना चाह रहा हूँ। ठीक है, जैसे मैं टेम्पल्स वगैरह की, ब्लॉग्स वगैरह की, मार्केट, ट्रैवल और बेस्ट प्लेसेस टू विजिट, ऐसी चीज़ें मैं डालता हूँ तो वो कीवर्ड्स मैंने यहाँ डाले हुए हैं। उसके बाद आ जाते हैं एडवांस सेटिंग में, एडवांस सेटिंग बहुत जरूरी है। यहाँ पे एक चीज़ लिखी कि आप बच्चों के लिए कंटेंट बनाना चाह रहे हैं, अगर आप सिर्फ यस सेलेक्ट करते हैं, बच्चों के लिए बना रहे हैं, किड्स से रिलेटेड है सारी चीज़ें, तो ही आप यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए, क्योंकि अगर आप यस करेंगे तो कमेंट आपके ब्लॉक हो जाएंगे, कमेंट नहीं आएंगे फिर आपके चैनल पर। ठीक है, ऐसा करके उसके बाद इसको आप यहाँ से सेव कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, स्टैंडर्ड फीचर एनेबल्ड।
सो स्टैंडर्ड फीचर आपका ऑलरेडी एनेबल्ड होता है, जैसे आप बनाते हैं अकाउंट, क्रिएट प्लेलिस्ट, ऐड कलेबरेटर्स, न्यू वीडियो टू प्लेलिस्ट आप कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड ऑप्शन है इंटरमीडिएट फीचर, ये आपको एनेबल करना है तभी आप ये ऑप्शंस ये चीज़ें कर पाएंगे, वीडियो लॉन्गर देन 15 मिनट्स, कस्टम थंबनेल, लाइव स्ट्रीमिंग, ये सब आप तभी कर पाएंगे जब आपका फोन नंबर वेरीफाई होगा। थर्ड ऑप्शन बहुत जरूरी है मोनेटाइजेशन के लिए, अगर आप यहाँ ये चीज़ें पढ़ेंगे तो अपीलिंग कंटेंट आईडी क्लेम, सो वो सब छोड़ दीजिए। सबसे लास्ट ऑप्शन आप अगर पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है एनेबल टू अप्लाई फॉर मोनेटाइजेशन, सो वो बहुत जरूरी है मोनेटाइजेशन के लिए। सो यहाँ जब आप क्लिक करेंगे, ये क्योंकि मेरा ये एनेबल हो रखा है ऑलरेडी, सो मुझे वो ऑप्शन नहीं मिलेगा, लेकिन जब आप नया चैनल बनाते हैं तो वहाँ पे इसको एनेबल करने का ऑप्शन मिलता है और एक लिंक जाता है आपकी ईमेल आईडी पे, जिस आईडी से आपने अकाउंट बनाया है उसी पे एक लिंक जाएगा और उस लिंक को आपको वेरीफाई करना है एंड सेव, यहाँ नीचे सेव का ऑप्शन है, इसको सेव कर दीजिए। उसके बाद आप बेसिक इन्फो अपलोड डिफॉल्ट, बेसिक इन्फॉर्मेशन आप अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ डाल सकते हैं कि क्या आपका टाइटल है, क्या डिस्क्रिप्शन है आपके चैनल की। उसके बाद एडवांस सेटिंग्स में आ जाते हैं, ये सेटिंग्स बहुत जरूरी है। स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस को ऐसे ही रहने दीजिए। फिर उसके बाद आता है कैटेगरी, कैटेगरीज में हमारे पास ऑप्शंस है कि आप किस टाइप का कंटेंट डालेंगे, कॉमेडी, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, फिल्मिंग, गेमिंग, म्यूजिक, पीपल्स एंड ब्लॉग, जो भी आपको पसंद है, जो भी आपकी हॉबी, जो भी आप डालना चाह रहे हो वो डाल सकते हैं। लैंग्वेज हिंदी रहने दीजिए और कोई सेटिंग चेंज कीजिए। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है अलाउ ऑल कमेंट्स, सो आप अलाउ कीजिए ताकि लोग आपके चैनल पे आपकी वीडियोज़ पे कमेंट कर पाएँ। नाउ उसके बाद वी हैव परमिशंस, सो आप किसी और को परमिशन देना चाह रहे हैं जो कि आपके बिहाफ पे वीडियो डाल सकें, सो वो भी आप कर सकते हैं। कम्युनिटी एक ऑप्शन है जहाँ पे फिल्टर्स आपको आप मैनेज कर सकते हैं, फिलहाल इसको आप छोड़ सकते हैं। देन प्रमोशंस, गूगल एड्स पे आप प्रमोशंस भी कर सकते हैं, आप 500 से स्टार्ट करके गूगल ही आपका यूट्यूब को एड्स पे दिखाएगा, उसकी अलग से मैं वीडियो आपके लिए लेके आ जाऊँगा इफ़ यू लाइक। नाउ हमारा ये चीज़ कंप्लीट हो गया, अब हम आ जाते हैं ब्रांडिंग पे। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे लेआउट एक ऑप्शन है सबसे ऊपर, वहाँ उस ऑप्शन पे जाने के लिए आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा ये, दिस इज़ कॉल्ड कस्टमाइजेशन। कस्टमाइजेशन पे आप क्लिक करेंगे, अगर आपने कहीं और क्लिक किया हुआ है तो वो ऐसा दिखेगा, लेकिन आपको करना है कस्टमाइजेशन पे क्लिक। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आएंगे लेआउट का, वीडियो स्पॉटलाइट, चैनल ट्रेलर फॉर पीपल हु हैव नॉट सब्सक्राइब, ये उन लोगों के लिए जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, आप एक या दो मिनट की वीडियो यहाँ पे डालिए ताकि जो लोग जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया हुआ अगर वो आपका चैनल देखेंगे कि आप किस तरह की वीडियो बनाते हैं वो यहाँ से आगे देख सकते हैं। उसके बाद फीचर वीडियो फॉर रिटर्निंग सब्सक्राइबर, आप सेम या कोई दूसरी अच्छी सी वीडियो यहाँ पे डाल सकते हैं आपने अगर ऑलरेडी डाली हुई है, तो यहाँ पे इस वीडियो पे आप टैप करेंगे तो यहाँ पे राइट साइड में ऑप्शन आएगा चेंज वीडियो का, दूसरी इस पर टैप करेंगे यहाँ पे ऑप्शन आएगा चेंज वीडियो या रिमूव वीडियो का। उसके बाद आप अगर आप कुछ सेटिंग चेंज करते हैं तो यहाँ ऊपर एक ऑप्शन है पब्लिश का, जो भी चेंज सेटिंग करते हैं वो चेंज करने के बाद आप पब्लिश कर सकते हैं। अब आ जाते हैं ब्रांडिंग पे, ब्रांडिंग के अंदर आपको अपनी पिक्चर लगानी जो कि या फिर अपना लोगो लगाना जो कि मैंने पहले से ही लगाया हुआ है। उसके बाद एक बैनर लगाना है बैकग्राउंड में, जो वो भी मैंने पहले से ही लगा दिया था, ठीक है। यहाँ पे लास्ट में एक ऑप्शन है वीडियो वाटरमार्क, वीडियो वाटरमार्क मीन्स जब आपकी कोई भी वीडियो होगी जो चल रही होगी तो वहाँ पे सब्सक्राइब का बटन जो होता है ऑप्शन जो होता है वो कहाँ पे आए, एंड ऑफ द वीडियो आए, कस्टम स्टार्ट टाइम कहाँ से स्टार्ट हो या फिर एंटायर वीडियो पूरी वीडियो में वो आए, तो आप एंटायर वीडियो करिए और उसको सेव कर दीजिए। फिलहाल मेरे पास चेंज का ऑप्शन आया हुआ है क्योंकि मैंने पहले से उसको चेंज किया हुआ है। ये सब हो गए हमारी सेटिंग्स। नाउ वी क्लिक ऑन बेसिक इन्फॉर्मेशन, बेसिक इन्फॉर्मेशन जो कि वैसे हमने पहले डाल दी थी, यहाँ पे भी आप अपना नेम चेंज कर सकते हैं, हैंडल चेंज कर सकते हैं, दोबारा से सेट कर सकते हैं हैंडल, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको जो भी हैशटैग जो आप यूज़ करते हैं नॉर्मल वीडियोज़ पे वो आप यहाँ पे भी डाल सकते हैं, उसकी डिटेल्स यहाँ डाल सकते हैं, जैसे कि मैंने डाला हुआ है कि ट्रैवल प्लेसेस, टेंपल्स रिलेटेड, जो भी मैं वीडियो डालता हूँ उस रिलेटेड मैंने यहाँ डाल दिया है। उसके बाद नीचे आएंगे यहाँ पे चैनल URL आपको सब दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद इसको आप पब्लिश कर सकते हैं। नाउ ये सारी सेटिंग्स आपकी पूरी हो गई हैं, अब चलते हैं हम व्यू चैनल्स में। व्यू चैनल पे आप जाएंगे, आपको चैनल का पूरा व्यू मिलेगा, यहाँ पे आपकी डिटेल्स मिलेंगी, मैनेज आप वीडियो कर सकते हैं, अब यहाँ वीडियो आप अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आप एनालिसिस भी कर सकते हैं कि किस तरह की ऑडियंस ने आपकी वीडियो देखी है और किस एज की, किस टाइम पे आपकी वीडियो देखी देखी हुई है। यहाँ जैसे मैं देख रहा हूँ व्यूज़ आए 42,000 के अराउंड, वॉच टाइम हुआ है 168 आवर्स का, सब्सक्राइबर लास्ट 28 डेज के अंदर इतने हुए हैं, टॉप शॉर्ट्स, टॉप वीडियोज़ मेरी कौन सी हैं, यहाँ सारा एनालिसिस आप कर सकते हैं। ऑडियंस आपकी एज क्या है, जो ऑडियंस आपकी वीडियोज़ देख रही है, जेंडर क्या है, ज्योग्राफी क्या है, सो वो सब आप देख सकते हैं। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक।